ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिमाचल राउंडअप का रुख करेंगे। सिरमौर जिले के नाहन में डंगा ढहने से खाई में ट्रक गिर गया। आपको बता दें इस हादसे से एक व्यक्ति की मौत हो गई। क्षेत्र में अब तक 3 गाड़ियां बह गई हैं। इसके चलते जिले में अब तक HRTC के 90 रूट प्रभावित हो चुके हैं। सिरमौर में भारी बारिश के चलते पावटा रोहड़ NH पर कई जगहों पर सड़कों पर पत्थर गिर गए हैं, जिससे बड़बास तिलोरधार के पास काफी देर तक सड़क प्रभावित रहा, जिससे हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में आफत बनकर बरसी बारिश। तेज बारिश से नालागढ़ के NH 205 पर बागबानिया पुल का एक हिस्सा टूट गया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। कुल्लू में बीते दिन से हो रही लगातार बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बारिश के चलते क्षेत्र में 16 घर क्षतिग्रस्त हो गए, साथ ही अलग अलग स्थानों में 2 लोगों की मौत हो गई। ऊना में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में स्थित गोविंद सागर झील में पर्यटक सुविधाएं नहीं मिलने से अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि संभावनाओं के बाद भी झील विकसित नहीं हो पा रही है। पर्यटकों की माने तो इस क्षेत्र को विकसित किया जाना चाहिए, ताकि स्थानीय लोगों को भी रोजगार मुहैया हो सके। ठियोग में भारी बारिश से पेड़ गिरा, पेड़ की चपेट में आए 8 प्रवासी, हादसे में 2 लोगों की मौत। हमीरपुर में तेज बारिश से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। आपको बता दें बारिश की वजह से 10 मकान गिर गए, हालांकि हादसे में किसी जान माल की हानि नहीं हुई है। श्री नैना देवी शक्तिपीठ में तेज बरसात और भूस्खलन के चलते सभी रास्ते बाधित हो गए, जिससे शक्तिपीठ का संपर्क अन्य राज्यों से कट गया है। हालांकि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और रास्ते खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। पावटा साहिब के शिलाई में तेज बारिश से 5 घर बहे, हालांकि स्थानीय लोगों ने घरों में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें तेज कर दी हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया। ठियोग के पंचायत क्यारटू में बड़ा हादसा पेश आया। दरअसल नाले का जलस्तर बढ़ने से नेपाल के 4 लोग खड्ड में बह गए, जिसमें 2 महिलाओं के पानी में डूबने से मौत भी हो गई है। स्वारघाट उपमंडल में बारिश और भूस्खलन से खूब तबाही हुई। एक तरफ बेहल में चिकनी खड्ड पर बना वैकल्पिक पुल बारिश में बह गया, तो वहीं दूसरी ओर स्वाहन में भुवाई में गौशाला समेत एक मकान जमींदोज हो गया। आनी में भूस्खलन से खतरे में जिंदगी। आपको बता दें बारिश लगातार हो रही है, जिस वजह से लैंडस्लाइड के मामले देखने को मिल रहे हैं। चंबा के लोहान में घर की दीवार गिरने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के दौरान घर में 80 साल के बुजुर्ग और उनकी 8 साल की पोती की मौत हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब दोनों घर में सो रहे थे। लगातार हो रही बारिश से चंबा में नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से बालू पुल के पास एक ट्रक पानी के तेज बहाव में फंस गया। पानी इतना तेज था कि ट्रक ना तो आगे जा पाया ना ही पीछे। मंडी IIT के मेस में परोसी गई सब्जी में कीड़े मिलने का वीडियो वायरल हो रहा है। छात्रों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो, जिसके बाद IIT प्रबंधक की खूब फर्जीहत हो रही है। वहीं इस मामले में IIT प्रबंधक कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। आनी में बारिश की वजह से PHC डिगेड़ में डंगा ढह गया, जिससे PHC भवन की फाउंडेशन में दरारें आ गई, जिससे भवन के गिरने का खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें PHC का 2 साल पहले ही उद्घाटन हुआ था। पहाड़ों में बारिश का कहर जारी है। आपको बता दें बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते कांगड़ा में स्थित चामुंडा मंदिर में पानी का रौद्र रूप देखने को मिला। अब गंगा के तर्ज पर हिमाचल की नदियों का शुद्धिकरण होगा। बिलासपुर के जिला परिषद भवन में हिमालय वन अनुसंधान संस्थान के बैनर तले सतलुज नदी बेसिन का पुनरुद्धार विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
मनाली में हो रही लगातार बारिश और ब्यास नदी में बढ़े जलस्तर की वजह से दो युवक नदी के बीचों बीच फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू करते हुए निकाला गया। पावटा साहिब में एसआईयू ने एक स्कॉर्पियो से 41 पेटी देसी शराब बरामद करी है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।